हेलो दोस्तों, मैं सत्येन सिंह। आज दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और यहाँ से टोटल, अगर वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से देखा जाए, टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और लेकिन बात यह है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर जितना अच्छे से आपको आता रहेगा, उतने ही अच्छे से आपको प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर आएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर। आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करें तो सबसे पहले जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेट के बारे में, इसमें थोड़ा सा कुछ बातें जान लेते हैं। मैग्नेट, आप जानते हो चुंबक क्या होता है? तो चुंबक एक प्रकार का रॉड होता है, एक छड़ होता है, जिसमें किसी फेरस मेटल को, लौह तत्व को आकर्षित करने का उसके अंदर क्या होता है, गुण होता है। अगर हम इस चुंबक की बात करें दोस्तों, मान लो ये क्या है, चुंबक। तो आप जानते हो चुंबक में क्या होता है, दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है और वो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में प्रवेश करती है। तो मान लीजिए एक ये चुंबक है और इस चुंबक में ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी और कहां पे जाके प्रवेश करेंगी, साउथ में, ठीक है, साउथ पोल में। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो किसी भी चुंबक में क्या होती है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं। और ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा नॉर्थ से साउथ, ये चुंबक के बाहर इनकी दिशा होती है, लेकिन ये चुंबक के अंदर इनकी जो दिशा होती है वो साउथ से कहां होती है, नॉर्थ होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अब आप जानते हो कि अगर चुंबकीय बल रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर है तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, एक समान। अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता असमान होगी। अब दोस्तों देखते हैं कि जैसे अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय, ये चुंबक है, चुंबक में क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, और इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक किसी वस्तु पर, किसी लौह तत्व पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था, चुंबक। चुंबक के बारे में केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि चुंबक से क्या निकलता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। और चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती है और कहां जाती है, साउथ में प्रवेश करती है। यह तो चुंबक के बारे में था। दूसरा, इस चैप्टर में हम लोग याद ध्यान देंगे कि इस चैप्टर जो टॉपिक का शुरुआत होता है एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर, इसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। दोस्तों कि आप जैसा कि जानते हो, आपने गॉस के प्रमेय चैप्टर में आपने पढ़ा है, गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं यहां बता देता हूं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। पहला नंबर, अगर कोई भी वस्तु है तो उसका अपना क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, चाहे वो वृत्ताकार सरफेस हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे आयताकार हो, रेक्टेंगुलर हो, ठीक है। अगर क्षेत्र मैथ के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल में केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड देखा जाता है, परिमाण देखा जाता है कि उसका क्षेत्रफल कितना है, परिमाण। लेकिन दोस्तों अगर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शन भी होता है। इसका मतलब अगर परिमाण और दिशा दोनों है तो वो कैसी राशि होगी, तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो कैसी राशि होता है, एक सदिश राशि होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। इसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। सदिश राशियां ऐसी राशियां होती है जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो अगर मैंने कहा कि कोई सतह है, जैसे ये मान लीजिए एक सरफेस है और इसका जो लंबाई क्या है एल, चौड़ाई क्या है बी, इसका जो शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। अगर हम इसका एरिया निकाले तो एरिया क्या होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई। तो जब एल बी आया, लंबाई गुणते चौड़ाई, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, जिसे बच्चा हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। ये क्या है, परिमाण है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे हमने ये सरफेस ले लिया एक वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, आर। तो अगर हम यहां से ले ए बराबर पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यह तो क्या हो गया दोस्तों, परिमाण की बात हो गई। अगर इसमें परिमाण है तो परिमाण के साथ इसमें क्या होनी चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी सतह है, कोई भी क्या कहते हैं आपने वस्तु लिया है, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस में अगर हम उसका डायरेक्शन देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक ये कोई क्या कहते हैं प्लेट है, इस प्लेट का ये क्या है, उसका एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका परिमाण कितना होगा, जितना इसका लंबाई होगा और जितना इसका चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जितना लंबाई और चौड़ाई का जो गुणा आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसके अगर डायरेक्शन की बात करें तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सतह के लंबवत हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं, यही जो लाइन होगा यही क्या होगा उसका डायरेक्शन। तो हमेशा इसके सतह के क्या होगा, लंबवत। अगर यही क्षेत्रफल ऐसे है, ऐसे रखा है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ऐसे लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है, ये आपका अपवर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल ऐसे है, ये वाला क्षेत्रफल लेते हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, इस सतह के लंबवत इधर की ओर, ठीक है ना। अगर हम ये क्षेत्रफल लेते हैं तो इस सतह के लंबवत किधर होगा, इधर। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका क्षेत्रफल सदिश का क्या हो, दिशा निकालने का तरीका है। कोई भी अगर आप सरफेस लेते हो, उसके लंबवत आप क्या कहते हैं, अगर उसके लंबवत आप कोई रेखा खींच दो या कोई बिंदु रख दो, वही क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है, एल इंटू बी, तो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर। अब दोस्तों आप लोग जानते हो डायरेक्शन के लिए आपने टोटल 3 एक्सिस पढ़ा है, जो आपका है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। मान लीजिए ये एक एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। एक्सिस पे जो डायरेक्शन है वो कितना, ये तीनों आपस में एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं, एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत। सेम दोस्तों ऐसे अगर मैं यहां से बात करूं तो ऐसे ये आपका क्या हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर जो गया है वो वाई हो गया और ये वाला क्या हो गया, जेड। अगर हम ऐसे चलते, ऐसे बाएं और दाएं, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर हम ऊपर और नीचे की बात करें तो ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस। और अगर हम सामने ऐसे चले तो ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस, ठीक है दोस्तों। अब आप जानते हो वेक्टर, आपने पढ़ा है कक्षा 11 में, आपने पढ़ा है वेक्टर के बारे में। अगर ये एक्स है तो इसमें क्या होगा, आपका एक्स आई, ये एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा आई कैप। ये क्या है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये क्या है दोस्तों, जेड अक्ष है। अगर दोस्तों हम यहाँ बात करें तो यक्ष अक्ष पे क्या होता है, अगर यूनिट वेक्टर ले तो आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, ठीक है दोस्तों, आपने ये पढ़ा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस है, अगर यहाँ पे अगर ये एक्स है, तो आप जानते हैं यक्ष एक्सिस का दो पार्ट होता है, एक प्लस वाला साइड और एक माइनस वाला। तो अगर ये प्लस वाला है तो हम इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स अक्ष है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, माइनस एक्स अक्ष। अगर ये आपका आई कैप है तो यहाँ का अगर हम यूनिट वेक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। माइनस साइन केवल ये दिखाएगा कि अगर हमने माइनस आई कैप लिख दिया या प्लस आई कैप लिख दिया, तो माइनस केवल ये बताएगा कि ये माइनस एक्स एक्सिस की ओर इसका डायरेक्शन है। अगर हमने प्लस लिया तो ये क्या है, प्लस एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर है। अगर हम ऐसे वाई कर ले तो ये क्या है, प्लस जे। अगर हम माइनस जे लेते तो ये दोस्तों कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, ऐसे माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई अक्ष। तो यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा, माइनस जे कैप बनेगा, क्लियर हो दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका ऐसे होता है, अगर हम देखें तो ये तीन की तीनों जो एक्सिस होती है ऐसे होती है, ऐसे होती है। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये जेड एक्सिस है। अगर हम इसका क्या ले, इसका निगेटिव वाला ले तो क्या इसके जस्ट पीछे आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये क्या है, जेड है, तो ये क्या है हमारा, ये माइनस जेड होगा। और माइनस जेड पे हमेशा क्या होगा, माइनस के होगा, ठीक है, माइनस के कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर दोस्तों देखिए तो यहाँ का क्या हो जाएगा, जेड का ये क्या है, के कैप, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, माइनस के कैप, ये माइनस जेड अक्ष का है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या था, ये एरिया वेक्टर के बारे में था। अब जैसे हमने कहा कि
कोई अगर की कहते हैं, मान लीजिए कोई सतह है और वो कैसा है, आयताकार है ये, और इसकी लंबाई कितनी है एल, इसकी चौड़ाई कितनी है बी, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया वेक्टर आएगा, वो एल इंटू क्या आएगा, बी आएगा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसका डायरेक्शन हम चाहते हैं तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे देखिए इस सतह के, तो ये कहाँ है, इधर। तो ये आपका किस में आता है, एक्स में आता है कि वाई में आता है कि जेड में, तो ये किस में आता है, प्लस जेड में आता है। तो ये बाहर की ओर है तो प्लस जेड, और प्लस जेड में क्या होता है दोस्तों, प्लस के। तो यहां हम क्या लिख देंगे, प्लस के कैप केवल ये बताएगा, ये जो प्लस के, ये के कैप है, ये केवल इतना बताएगा कि इसका डायरेक्शन किधर है। क्या इसका डायरेक्शन पीछे की ओर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर ये आपने इधर लिया है तो इसके पीछे लेंगे तो ये यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर बराबर एल बी, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, और के कैप, ये माइनस साइन केवल इतना दोस्तों बताएगा कि इसका डायरेक्शन प्लस जेड की एक्सिस की ओर नहीं बल्कि माइनस जेड एक्सिस पे है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है ना, जब भी हम किसी सरफेस का एरिया वेक्टर निकालते हैं तो हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उस सतह पर लंब डालते हैं, वही लंब का जो डायरेक्शन होगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर अब ऐसे हम यहां पे ले, मान लीजिए यहां पर देखते हैं, ये एक सरफेस है, कैसा है, वृत्ताकार, और इस वृत्त का ये क्या है, केंद्र है, इसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल ले तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसका जो कि कहते हैं, अब अगर यहां पर देखें इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके लंबवत ऐसे डालें तो ये क्या होगा, बाहर जेड की ओर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस के कैप। अगर यही अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर लेते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों क्या, माइनस लगा देंगे, माइनस के कैप। लेकिन अगर यही सर्कुलर, ये सर्किल ऐसे होता और इसकी त्रिज्या दोस्तों कैसे होती, आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब दोस्तों डायरेक्शन इसका कहाँ, ऊपर की ओर, ऊपर क्या होता है, प्लस वाई, तो प्लस वाई पे क्या होता है, जे होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, जे कैप। समझ में आ गया दोस्तों, तो ये क्या है, ये आपका क्षेत्रफल सदिश निकालने का तरीका है। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसमें ये आपका एरिया वेक्टर का बहुत अहम रोल है। फिर से सीखते हैं कुछ पॉइंट और। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सरफेस है, अगर इस सरफेस का क्षेत्रफल हम कितना मान लेते हैं, इस सरफेस का क्षेत्रफल हम ए वेक्टर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, ए, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसका अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस पे क्या कर दे, लंब डाल दे, तो इसका आएगा जो टोटल एरिया वेक्टर आएगा, क्षेत्रफल सदिश आएगा, वो आएगा ए के कैप। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन कहाँ है, इधर है, जेड एक्सिस पे, प्लस की ओर। अगर क्या इसका माइनस के कैप हो सकता है, हाँ हो सकता है, जो आप इधर ले रहे हो पीछे साइड ले लो, ऐसे पीछे साइड, इसके पीछे साइड अगर आप ले लिए तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस के कैप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए के कैप, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अब यही सतह अगर आपका ऐसे है, क्षेत्रफल वही है, अब इधर है, तो इधर क्या होता है, प्लस एक्स होता है, तो आप क्या लोगे, ए, आपका ए वेक्टर जो आएगा, ए क्या हो जाएगा, आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आई कैप होता है। क्या इधर हो सकता है, हाँ हो सकता है, इधर अगर आप लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, तो आप यहां लिखोगे ए माइनस ए आई कैप। ये माइनस साइन केवल यह बताएगा एक्स एक्सिस का ऋणात्मक वाला पार्ट है। ठीक है, यह ऋणात्मक वाले साइड एक्सिस पे निर्देशांक पर उपस्थित है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों किसके बारे में था, ये एरिया वेक्टर के बारे में था। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, और यही चुंबकीय फ्लक्स से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो कैसे बनता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।